Hey guys, welcome to my channel WB Freeman Solution. This is Sanjana Giri. Today we will start chapter 8, that is properties of parallel lines and transversal, समानांतर सरल रेखा और तिर्यक रेखा के गुण. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफिनेशन यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जिससे कि यदि ये सब यूज हो उस समय तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में कि एक्चुअली में ये क्या होता है. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, यदि आप लोग इसे समझ जाओगे तो आप लोगों को क्लास 10-12 तक ये काम आएगा. ठीक है, तो गाइज इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट्स ना हो. ओके, तो वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो गाइज प्लीज आप लोग वीडियो को फुल देखना, समझना अच्छी तरह से. यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग एक दो बार रिपीट जरूर करना ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं. सबसे पहले मेरा पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज संगत कोण. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? व्हेन टू लाइन्स आर क्रॉस्ड बाय अनदर लाइन द एंगल्स इन मैचिंग कॉर्नर आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, व्हेन टू लाइन्स आर क्रॉस्ड बाय अनदर लाइन, जब दो सरल रेखा को एक तीसरी सरल रेखा यानी ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा क्या होता है? वह रेखा जो एक दो सरल रेखा को या एक से ज्यादा सरल रेखा को एक या एक से ज्यादा बिंदु पर काटती है, तो ये रेखा जो हो जाती है तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल बोला जाता है इसे. ओके, तो जब व्हेन टू लाइन्स आर क्रॉस्ड बाय अनदर लाइन द एंगल्स इन मैचिंग कॉर्नर, यानी कि सेम साइड यानी सेम कॉर्नर के सेम कॉर्नर जो होगा सेम कोन ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है. ठीक है, यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीका से बता देना चाहती हूँ. इसमें यदि डायरेक्शन यदि मैं दूं और एक लिख देती हूँ पोजिशन. ओके, डायरेक्शन और पोजिशन यहाँ देखो, तो यदि हम यहाँ 1, 2, 3, 4 यदि सपोज यहाँ देखो, ये एक जो सरल रेखा है ये समानांतर दो रेखा है यानी कि दो पैरेलल लाइन है, उसको एक यहाँ और एक यहाँ यहाँ पे काटती है. तो यहाँ पे देखो कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे दे रही हूँ 1, 2, 3, 4. ओके, और इधर 5, 6, 7, 8. ओके, अब यहाँ देखो मैंने डायरेक्शन और पोजीशन क्यों लिखा, इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन हमारा सेम होता है, सेम डायरेक्शन होता है यानी कि वही सेम पोजीशन, और वहाँ पोजीशन भी सेम होता है. इसमें कैसे सेम होगा, जब मैं यहाँ पे देखो मैंने डिफिनेशन में ही पहले ही लिखा है कि जब वो क्रॉस करता है तो हमारा मैचिंग कॉर्नर ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, यानी कि ये जो ये साइड है यानी जो ये वाला साइड है और उसका ये साइड, ये साइड यानी कि जो हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन हमारा सेम होगा. देखो ये सेम डायरेक्शन में है ना, और पोजीशन भी हमारा सेम ही होगा यानी कि अपोजिट पोजीशन में नहीं होगा, सेम पोजीशन होगा. इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन और पोजीशन का जिक्र किया ताकि आप लोग अच्छी तरह से और अच्छी समझ जाओ. क्योंकि यहाँ देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहेगा यानी एक ही दिशा में जाएगा, और पोजीशन भी सेम रहेगा यानी अपोजिट पोजीशन नहीं रहेगा. ओके, तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पे हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण है. ठीक है, यानी सपोज यदि मेरा यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा. यदि आप लोग को किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये 30 एंगल 1 हमारा 30 डिग्री है तो आप एंगल 5 निकालो, तो आप लोग डिफिनेशन से ही हम लोग निकाल लेंगे 5 क्या होगा, क्योंकि हमारा संगत कोण इक्वल होता है. तो 30 यदि ये है तो ये भी हमारा 30 ही होगा. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब इसका डायरेक्शन और पोजीशन सेम होता है. ठीक है, अब हम चलते हैं अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण पर.
एकांतर कोण का डिफिनेशन है एंगल्स दैट आर इन अपोजिट पोजीशंस रिलेटिव टू द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो वे दो कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो, तिर्यक रेखा के विपरीत हो उसे ही कहा जाता है एकांतर कोण। ओके, कैसे मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ देखो मैंने ए बी सी डी ऐसे करके एंगल लिया है, ठीक है, ए बी सी डी करके ये एंगल है। अब यहाँ एंगल्स दैट आर इन अपोजिट पोजिशन, यहाँ पे जो डायरेक्शन है डायरेक्शन भी हमारा अपोजिट होगा और इसका पोजीशन भी अपोजिट होगा। ओके, डायरेक्शन और पोजीशन दोनों, यानी कि ये जो सी एंगल है, ये सी एंगल, इसका अपोजिट होगा हमारा एकांतर कोण। ओके, तो इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है, डायरेक्शन एंड पोजीशन दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है, डायरेक्शन और पोजीशन, यानी सी और एफ एकांतर कोण होगा, ठीक है। उसी तरह से यदि हम बी को लेकर चलें, एंगल बी, तो एंगल बी का एकांतर कोण होगा एंगल जी, ठीक है, एंगल बी का एकांतर कोण यहाँ पे, यानी अल्टरनेट एंगल यहाँ पे एंगल जी होगा, ठीक है। अब देखो एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं। इंटीरियर कौन से होते हैं, इंटीरियर जो कि अंदर वाले जो हमारे एकांतर कोण यानी जो अंदर वाले अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एंगल ए एंड एंगल जी, ये एंगल ए है, ठीक है, और ये देखिए आप लोग ध्यान से देखना तो इसमें ये नीचे यानी अंदर साइड में बना हुआ है और ये एंगल जी भी हमारा अंदर साइड है एंड अपोजिट भी है, ठीक है, तो ये एकांतर कोण हुए, ठीक है, एकांतर कोण हुए एक दूसरे के। एंगल डी एंड एंगल एफ, एंगल डी ये वाला है एंगल डी एंड एंगल ये है हमारा एफ, ठीक है, इसका अपोजिट ये हुआ और ये अंदर के कोण है यानी इंटीरियर अंत एकांतर कोण है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल जी एंड एंगल डी एंड एंगल एफ, ठीक है। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं जो कि बाह्य यानी कि बाहर की तरफ जो होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एंगल बी है, एंगल बी एंड एंगल एच, ये देखो बाहर की तरफ का है तो एंगल बी एंड एंगल एच हुआ। उसके बाद यदि देखो तो एंगल डी और एंगल ये वाला ई, एंगल डी एंड एंगल ई हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ। अल्टरनेट मीन्स क्या कि अपोजिट, इतना ध्यान देखना, अलग, अब उसका अपोजिट हो जाता है। ओके, तो इतना बस, इसमें बहुत ही इजी है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब हम लोग चलते हैं इंटीरियर एंगल पे यानी अंतः कोण। अंतः कोण एनी ऑफ द फोर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग बाई अ थर्ड स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग बाई अ थर्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। एनी ऑफ द फोर एंगल्स, एनी ऑफ द, ये चारों एंगल जितने भी हमारे, एनी ऑफ द फोर एंगल्स अंदर वाले बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टेड बाई द थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन से जो इंटरसेक्ट हो रहा है और जो अंदर वाले जो चार एंगल जो हमारे हैं वही हमारे होते हैं इंटीरियर एंगल। यानी कि देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मैंने लिखा है, जिसमें यहाँ पे देखो ये अंदर में है इसलिए 3, 4, और ये वाले भी अंदर है यानी कि 3, 4, 5, 6 हमारे इंटीरियर एंगल्स हुए। ओके, तो इस चैप्टर में ये सब आप लोगों को मिलेंगे, जितने भी ये एंगल से ये आप लोगों को मिलेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारा ऐसा मिलेगा जिसमें आप लोगों को समझना जरूरी होगा कि कौन इक्वल होता है, कौन क्या किस टाइप से होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि दो समानांतर सरल रेखा, देखोगे यहाँ दिया हुआ है दो समानांतर
सरल रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का मान यहाँ परिमाप बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग लिखा हुआ है, तो संगत कोणों का मान बराबर होता है, यानी जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा उसका मान बराबर होगा। यानी जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोग को, ये यदि 30 होगा तो ये भी हमारा 30 ही होगा, मान बराबर होता है, ये हमारा सिद्धांत है। ओके, ये सब पहले ही सिद्ध किया गया है, आप लोग को इसमें मिलेगा। एक्चुअली ये थ्योरम है, हम लोग पहले किए हैं, लेकिन इसमें आप लोग को थ्योरम नहीं बताना है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी तरह से आप लोग को बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। यदि उस समय मैं लिखूं कि 180 इक्वल टू 180 तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ है, दो समानांतर सरल रेखाओं को कोई दूसरी तिर्यक रेखा यदि काटे तो एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, एवं तिर्यक रेखा एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये भी एक धारणा है, पहले ये सिद्धांत है जो कि पहले यूज किया गया है और इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें भी देखो आप लोग, दो समानांतर सरल रेखा को दूसरी यदि तिर्यक रेखा काटे तो, यानी जो हमारा एकांतर कोण होगा वह बराबर होगा, यह इसमें बोला जा रहा है कि जो एकांतर कोण यानी जो हमारा यहाँ एंगल सी बन रहा है, एंगल सी एंड एंगल एफ ये इक्वल होंगे, एंगल सी एंड एंगल एफ हमारे इक्वल होंगे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, आप लोग इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8.1 जो दिया हुआ, एक्सरसाइज 8.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।